तो हमने लास्ट क्लास में ना वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने शेयर फोर फीचर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और शेयर फोर फीचर के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, मैं वो सारी बातों को अभी बता देता हूँ आपको, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, आज रीइशू करेंगे मेन टॉपिक। तो आज सर हमने शेयर, पहले बताया कि भैया शेयर फोर फीचर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपने इशू किस पे किया हो, पार पे, और या फिर आपने इशू प्रीमियम पे, दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। फिर हमने पार वाले पॉइंट को कवर किया। शेयर फोर फीचर का मतलब होता है जितने पैसे आपने दे दिए वो पैसे हम रख लेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और टू कॉल्स क्यों किया जाता है ये भी हमने देखा था। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने एग्जाम्पल लिए कि दो व्यक्ति फेल हो जाए, दो अलग अलग जगह पे फेल हो जाए, या फिर पहले ही फोर फीचर हो जाए फाइनल कॉल से तो क्या होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके बुक का था, ये बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, जेआर मोंगा का क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसको हमने सॉल्व करके देखा। इसके बाद प्रीमियम के अंदर हमने केसेस देखे कि सर प्रीमियम पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। प्रीमियम पे केसेस की अगर बात करें तो सर प्रीमियम व्हेन अमाउंट पेड, व्हेन अमाउंट नॉट पेड, व्हेन अमाउंट नॉट कॉल, इस तरीके से इन सभी को मैंने केस वाइज करके दिखाया, केस नंबर 1, इसके बाद केस नंबर 2, फिर इसी के तरीके से, हालांकि हर जगह केस 1 लिखा हुआ है लेकिन उसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक एक और क्वेश्चन हमने प्रीमियम वाले भी यहाँ पे कर लिए थे जिसका सोल्यूशन था। तो लास्ट हमने यहीं तक कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे रीइशू की, और जितने बच्चे न्यू एनरोल हो रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि उनको पहले स्टार्टिंग की क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे बच्चे अभी, कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन ना आया हो तो वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिकॉर्डेड क्लास होगा, देखिए अगली क्लास आपका सेम शेड्यूल पे रहेगा, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास को TTS शिफ्ट कर दूँ और 5 से 7 कर दूँ, यही मेरी प्लानिंग चल रही है, जो कि हम करेंगे भी, ठीक है। चलिए सर, हम करेंगे अब बात सर रीइशू की, और आपकी क्लासेस 2-2 घंटे की होगी, बहुत जल्दी जल्दी हम सारे चैप्टर को रैप अप करने की कोशिश करेंगे। तो सर रीइशू का मतलब होता है, जैसे मैंने एक शेयर इशू किया मैंने 1000 शेयर, या मान लो 100 शेयर इशू किया किसको, मिस्टर राम को, ठीक है, मैंने राम को 100 शेयर इशू किया, मे बी ये प्रीमियम पे हो सकता है, मे बी ये पार पे, एज जो भी हमारा है। अब इस राम ने क्या करा, हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के हमें पैसे नहीं दिए। जब राम ने हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा साहब, इसके शेयर को कर लूंगा फोर फीचर, इसके शेयर को कर लूंगा मैं फोर फीचर। अब जब मैं इसके शेयर को फोर फीचर करूंगा तो यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस, दो पॉइंट्स बन सकते हैं। फोर फीचर करने के बाद मैं इसके शेयर जैसे ही फोर फीचर करूंगा तो ये शेयर अभी फिलहाल के लिए किसके पास है सर, राम के पास, लेकिन फोर फीचर करते ही ये शेयर वापस आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा ये, किसके पास आ जाएगा ये सर, कंपनी के पास आ जाएगा वापस, है ना। ये शेयर वापस किसके पास आ जाएगा सर, सर ये शेयर वापस कंपनी के पास आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। अब ये शेयर वापस किसके पास आ गया सर, कंपनी के पास आ गया। जैसे ही कंपनी के पास आएगा, अब कंपनी की मर्जी है कि ये जो 1000 शेयर इसके पास आ गए हैं वापसी, सॉरी 100 शेयर जो वापसी आ गए हैं, इस शेयर्स को क्या किया जाए, इस शेयर्स को दोबारा बेचा जाए या ना बेचा जाए। अगर कंपनी ने फैसला करा कि यार ये शेयर फालतू के वापस आ गए हमारे पास, फिर से इसे बेचा जाए, तो आप देखो कॉन्सेप्ट क्या बना सर, जब बेचा जाएगा तो कॉन्सेप्ट देखो, यहां से यहां तक तो क्या था, ये वाला पॉइंट था इशू, लेकिन इसे फिर से बेचा गया, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या बन गया सर, इसको क्या बोला गया, री इशू। अब जब हम कोई चीज पहले तो हमने क्या करा, उससे ले लिया और फिर दोबारा मैंने इशू किया, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब कोई चीज हम खरीदते हैं और फिर कोई भी चीज हम बेचते हैं, तो यहाँ तो भाई व्यापार हो गया, एक तरीके का बिजनेस हो गया ना, कोई चीज खरीदा और फिर उसको हमने, पहली बार में कंपनी ने शेयर्स को खरीदा था क्या, बताओ मुझे, नहीं खरीदा था, डायरेक्ट सिर्फ री इशू किया था,
लेकिन दूसरी बार में पहले एक तरीके से उससे छीन लेना भी मान लो एक पल के लिए खरीदा है, फिर दोबारा रीइशू किया। तो जब रीइशू करते हैं ना, तो यहाँ पे रीइशू करते टाइम पे हमें या तो हो सकता है सर क्या हो जाए, प्रॉफिट। तो जब कभी भी हमें प्रॉफिट हो जाता है, लॉस तो नहीं होगा रीइशू करते टाइम पे, अगर प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं सर, कैपिटल रिजर्व में। यानी रीइशू करते टाइम पे हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी सीखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 12th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है, और कई बार अगर हुआ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो बीकॉम के अंदर भी पूछ लिया जाएगा। देखो ऑनर्स का पेपर तो अटपटा आता ही आता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्या शेयर्स को हम डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं। जवाब है सर, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, बट रीइशू किया जा सकता है। इशू तो नहीं किया जा सकता, बट रीइशू किया जा सकता है। समझ रहे हो ना, पहले दोनों में डिफरेंस समझो, इशू और रीइशू के फासले में डिफरेंस पता चल रहा है क्या है। तो इसलिए बोला गया जब कंपनी दोबारा लेती है तो डिस्काउंट। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो सर डिस्काउंट तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट पे कर सकते हो आप? तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है हमारा इक्वल टू शेयर फॉरफीचर। इक्वल टू शेयर फॉरफीचर के बराबर हो सकता है, इक्वल टू शेयर फॉरफीचर के बराबर ये हो सकता है। यहां तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री पे आ जाते हैं, तो हम कुछ केसेस करेंगे, उस केसेस के हिसाब से करते जाओ, रीइशू में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए सर, केस नंबर वन, मान लेते हैं कि मैंने राम के पास 1000 शेयर है, ठीक है, और इस शेयर्स का जो था कुछ सिनेरियो ऐसा था, ₹10, ₹2, ₹5 और ₹3। राम ने ये पैसे नहीं दिए, यानी यहाँ क्या हो गया, राम फेल। तो अल्टीमेटली यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू फेल होगा वो एक जगह फेल होने के बाद। जैसे ही वो फेल हुआ, हुआ यूं कि हमने इसके शेयर को फॉरफीचर कर लिए। कहाँ शेयर फॉरफीचर करे, फाइनल कॉल के बाद। अब अगेन मेरे मन में एक विचार आया कि यार इस शेयर्स को रीइशू भी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए। अब रीइशू मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा ₹10 का शेयर था, चलो मैं कम का कर देता हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं ₹8 करूंगा इसको रीइशू, ठीक है, और करूंगा फुल्ली पेड अप। पहले मैं फुल्ली पेड अप की बात करूं, फुल्ली पेड अप का मतलब है कि भाई जिसको भी मैं बेचूंगा उससे मैं मात्र पता है कितना लूंगा, ₹8, लेकिन उसको जो शेयर कैपिटल दूंगा वो मैं पूरे 10 दूंगा, क्योंकि फुल्ली पेड अप हमारा शेयर तभी माना जाएगा जब कितना हो जाए पूरा का पूरा रिसीव, 10। तो इसका मतलब ये है। तो चलो पहले हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो सर शेयर फॉरफीचर की एंट्री लास्ट क्लास में करा था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा बताइए, टू में क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर, और टू कॉल सिनेरियो, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर। तो अब मजे की बात, इसमें क्या क्या अमाउंट आएगा सर, इक्विटी शेयर 1000 शेयर है, ₹10 यानी 10,000, और सर इसने सिर्फ यही दिया है तो 1000 × 8000 यहाँ आ गया। क्लियर, करेक्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हमें इसी को रीइशू करना है, तो जब रीइशू करेंगे तो अगेन हमारे पास बैंक में पैसा आएगा। ये रीइशू की एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का आएगा हमारे पास सर, ₹8 तो देगा वो, 1000 शेयर के वो कितने देगा सर, ₹8 तो देगा हमें। तो बिल्कुल सही जवाब है 8000, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कितने का सामान दोगे सर, सामान तो 10 का दोगे, तो जो नुकसान हुआ, क्योंकि फायदा हुआ तो आपने फट से शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लिया, अब नुकसान भी हो रहा है रीइशू पे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आपको क्या करना होगा सर, डेबिट करना होगा, कितने से सर, 2000 से, और लो हमने उसको दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया हमने, पूरे 10,000। अब आपको क्या चेक करना है, एक तरीके से ऊपर वाली एंट्री में तो आपने पैसे कमाए 2000, लेकिन नीचे वाले एंट्री में आपने पैसे ₹2000 नुकसान कर लिए, डुबा दिया आपने, लॉस हो गया आपको। तो ऐसे में कंपेयर करके अगर मैं शेयर फॉरफीचर एक फाइनल एंट्री और करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व, तो कुछ तो बचा नहीं भैया, ये कमाए ये नुकसान तो कितने बचे,
जीरो, जब जीरो होगा तो हालांकि ये एंट्री नहीं करना होगा, तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे री इशू का। पहले यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? सर डिस्काउंट रीइशू पे मिलेगा, बिल्कुल री इशू पे डिस्काउंट ही है, ये 8 रुपए में दे रखा है तो डिस्काउंट ही है। पहले बता दीजिए फटाफट ये एंट्री क्लियर है, अगले पॉइंट पे चलें। चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आएंगे। सेम क्वेश्चन लेके चलूंगा और इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि आपको समझना है, और ये चीजें समझ गए तो आपको कोई मतलब अच्छे से समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस मैं यहां बदलाव कर देता हूं। सर क्या बदलाव करोगे? इसको मैंने कर दिया नो, थोड़ा सा बदलाव किया, कर दिया नो। क्या पहली एंट्री में कोई फर्क आएगा? नहीं, फोर फीचर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने रीइशू में बदलाव किया ना कि फोर फीचर करते टाइम पे। अब रीइशू में फर्क आ जाएगा सर, रीइशू में फर्क आ जाएगा जब मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा सा मेहनत कम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप जरूर बताइएगा कोई भी। सर अब बैंक में पता है कितने पैसे आएंगे हमारे? सर बैंक में कितने आएंगे? 9 रुपए। तो इसका मतलब 9,000। अब नुकसान कितने का है सर? 1,000। यहाँ कितने आ गए? 10,000। अब सर फायदा कितने का किया था? 2,000, नुकसान 1,000। तो अब 1,000 रुपए मेरा कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएगा। दैट इज 2,000 रुपए में से हमने 1,000 का नुकसान माइनस कर दिया, तो ये कैपिटल रिजर्व में आ गया। बताइए इसमें किसी को डाउट? फिर एक और एग्जांपल पे चलेंगे, नहीं तो इसमें किसी को डाउट? जितने बच्चे लाइव में हैं बता दीजिए इसमें किसी को डाउट? लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू क्या है? शेयर फॉर फीचर टू क्या है, ये क्या है ये बता देते हैं। सर शेयर फॉर फीचर टू ये है कैपिटल रिजर्व। सर ये है कैपिटल रिजर्व, ठीक है? ये क्या है? कैपिटल रिजर्व। अगर किसी स्टूडेंट को भी डाउट हो तो मुझसे बता दीजिए, सर ये एंट्री बता दीजिए, मैं बता दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नो सर कोई डाउट नहीं। पांशु कह रहे हैं सर एक बार अगेन बता दीजिए। अगेन में पहले क्वेश्चन समझिए, मैंने एक शेयर क्या करा था? राम को दे रखे थे 1,000 शेयर। राम ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फेल हो गया। फेल होने के बाद बोले भाई मैं तेरे शेयर फोर फीचर कर लूंगा फाइनल कॉल के बाद। उसके बाद उसी के शेयर को मैंने वापस से बेच दिया, कितने का? 9 रुपए का। ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। रीइशू 9 का किया लेकिन नुकसान कैपिटल तो मैं उसको 10 का दूंगा, तो 1 रुपए का नुकसान, और फिर जो डिफरेंस आया वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। आगे बढ़ जाए जाए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए जो ये रीइशू वाली बात कर रहा हूं ना, ये मैं कर दूं 11 रुपए, ठीक है? मैंने क्या कर दिया? लो जी 11 रुपए कर दिया। तो पहली बात, फोर फीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? फोर फीचर पे। रीइशू की एंट्री कर रहे हैं तो रीइशू की बात करेंगे। अब सर आपने कितने कर दिए इसको? 11। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर क्या आ जाएगा? सर यहाँ 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11,000। नुकसान है नहीं तो फोर फीचर नहीं होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो गए? इक्विटी शेयर कैपिटल सर 10,000। अगर फायदा होगा तो अब फोर फीचर में नहीं डालना, अब किसमें डालोगे? अब सिक्योरिटी प्रीमियम कंसिडर करोगे, क्योंकि आपने रीइशू 10 से ऊपर किया है, तो 1,000 रुपए। सर यहाँ पे क्या लिखोगे? सर यहाँ पे तो पूरा पूरा फायदा हो गया, क्योंकि नुकसान हमारा 1 रुपए भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्टली फोर फीचर वाला अमाउंट आ जाएगा कि हमने कितना कमाया वो लिख दिया। ये हमारा एक तरीके से बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, उसी एंट्री को यहाँ पे उसी अमाउंट को दिखाओ। बताइए इसमें किसी को डाउट? बताइए किसी को डाउट? अगली एंट्री भी हमने कर लिया है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। आज हम रीइशू ये सब खत्म कर लेंगे, 1.5-2 घंटे की क्लास लेके खत्म। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। मॉर्निंग न्यू नो क्लियर क्लियर। अनिकेत का कहना है सर ये तो एकदम क्लियर है। ओके ओके ओके। कितने बज के? 10:20। मेरी घड़ी में भी 10:21 हो गए। ठीक है अभी का ही जवाब। किसी स्टूडेंट का डाउट? देखो साथ के साथ आप चलते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप बाद में फिर सोचोगे ना सेल्फ करेंगे, तो उस केस में क्या करते हो? 1 घंटे की वीडियो और उसको भगाने की कोशिश करते हो, और जब आप वीडियो को भगाते हो तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए
बच्चों ने कहा जी सर जी, शेयर फोर फीचर टू एंट्री समझ नहीं आ रहा। अभिजीत का कहना है कि शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री समझ में नहीं आ रहा। कैपिटल रिजर्व सीआर कैपिटल रिजर्व है, यस। तो आप क्रेडिट मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ये कैपिटल रिजर्व है। इसको कैसे निकालते हैं पहले समझो, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या कहता है सर, ये वाला पॉइंट कहता है आपने उसके पैसे रख लिए तो ये आपने कमाया है, प्रॉफिट कमा लिया। और जब आपने बेच दिया, समझो ये आपने खरीद लिया उससे, ले लिया और जब बेचा तो बेचने में कोई नुकसान ही नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ पहुंच जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या कहता है सर, जब कभी भी आपको शेयर को रीइशू करते टाइम पे और फोर फीचर करते टाइम पे दोनों एंट्री को कंपेयर करो, अगर उसमें से कुछ भी आपका फायदा निकल के आता है तो नेट अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में। अगर आपने रीइशू करा ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, रीइशू करना जरूरी है कैपिटल रिजर्व के, ठीक है। चलिए अगले एंट्री पे चले, एक और पॉइंट देख लेते हैं सर, इसमें जितने छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे फटाफट करते जाएंगे बस, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो समझ में तो आएगा लेकिन भूल भी जल्दी जाओगे, तो इसलिए आप सब नोट जरूर करना, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे रीइशू के टाइम पे लिख दिया, सपोज करो लिख दिया कितने का, ₹7 का। एक पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ₹7 लिख दिया। तो अगर मैं ₹7 लिख दूं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सर, ऐसे सिचुएशन में रीइशू शेयर फोर फीचर कितना डेबिट हो जाएगा सर, शेयर फोर फीचर से नुकसान कितना हो जाएगा हमारा, 3 का, तो 3000। तो हमारे पास सर कमाया कितना था, 2000, फोर फीचर के टाइम पे कितना कमाया था, 2000, और नुकसान कितना कर रहे हो, लॉ अलाउड नहीं करता, अलाउड बोलता है भैया तुम 2000 तक का नुकसान ही कंपनी बियर कर सकते, उससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फिर मैंने ऐसे करा टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹10,000 कर दिया मान लो, और यहाँ पे फिर क्या जाएगा कैपिटल रिजर्व में, यहाँ तो माइनस में आंसर आ जाएगा, -1000। तो किसी एंट्री में आपने देखा है कहीं पे कि -1000 करके एंट्री करा हो, नहीं आता। तो यानी मैंने पॉइंट बताया था कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इक्वल टू शेयर फोर फीचर, मतलब जितना शेयर फोर फीचर में है उतना ही डिस्काउंट मिल सकता है, उससे ज्यादा तो डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता आपको। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सर ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, गलत क्वेश्चन, गलत है ये क्वेश्चन गलत है, मैं लिख रहा हूँ ये समझाने के पर्पज से था, यानी ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इसकी जगह अगर मैं कह देता कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे के रीइशू करो, मैक्सिमम डिस्काउंट दे के क्या करो, रीइशू करो, अगर मैं क्वेश्चन में बोल देता कि मैक्सिमम डिस्काउंट दे के रीइशू करो, तो बताइए आप क्या करते हैं। अगर मैं कहता मैक्सिमम डिस्काउंट दे के रीइशू करो, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ₹2 ही का गुंजाइश बनता था, तो हम ₹8 करते हैं, ठीक है ना। कर लोगे ये वाला पॉइंट, ₹8 हो जाएगा, ये पॉइंट ₹8 हो जाएगा। सर ये वाला एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं या नहीं, ये वाला एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा नोट, अगर नहीं तो बस समझने के लिए एक रेड पेन से मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं सर, आगे एक और क्वेश्चन और एक और एग्जाम्पल बनाते हैं आपके लिए। यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है, तो अब थोड़ा सा मेरे को, मुझे क्या करना होगा कि मुझे यार इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। चेंजेस किस में लाना पड़ेगा, एक नए दो शब्द सीखने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फोर फीचर में चेंजेस नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ यहाँ चेंजेस करूंगा, ठीक है ना। एक होता है हमारा पेडअप, पेडअप जब पेडअप है तो इसका मतलब आपने दिया, आपने मतलब शेयर होल्डर ने पेड किया है, यही मतलब सीखा है हमने कि पेडअप का मतलब जितना शेयर होल्डर देते उसे क्या बोलते हैं। और एक कंपनी बोलती है, कंपनी ने बोला आपने दिया उससे मतलब नहीं है, एक कंपनी ने बोला कि भैया हम तुम्हें फुल्ली पेडअप दे रहे हैं, हम तुम्हें कितना दे रहे हैं, फुल्ली पेडअप। तो इसका मतलब आप हमें पूरे पैसे भले ही नहीं दे रहे हो, लेकिन हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आपको फुल्ली पेडअप दिया जा रहा है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने ₹8 करा था, और बट मैंने क्या लिखा था, फुल्ली पेडअप। आप समझिएगा पॉइंट को,
शेयर होल्डर तो यार 8 ही दे रहा था, लेकिन कैपिटल उसको हम कितना दे रहे थे, 10 रुपए। तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप। एक तो पेड अप का मतलब होता है शेयर होल्डर जितना दे दे, अगर कंपनी खुद कह दे कि भाई तुम जो मर्जी दो मतलब नहीं है, हम तुम्हें फुल्ली पेड अप का काम करके दे रहे हैं। तो पेड अप जब कंपनी बोले ना पेड अप, तो इसका मतलब ये पैसा हमें मिला नहीं है, ये कंपनी अपनी मर्जी से दे रहा है। जैसे मैंने 8 रुपए वाले शेयर को कह दिया फुल्ली पेड अप, तो क्या शेयर होल्डर ने हमें 10 रुपए दिए हैं यहाँ पे? नहीं दिए। हमें कितने दिए हैं यहाँ पे? 8 ही दिया। लेकिन कंपनी बोल रही है हम तुम्हें कितना के सर्टिफिकेट दे देंगे, कितने का? 10 का। तो अगर कंपनी बोलेगी फुल्ली पेड अप, या पेड अप कंपनी वर्ड यूज करता है, फुल्ली पेड अप या कंपनी वर्ड यूज करेगा पेड अप, तो इसका मतलब भैया उसने पैसे नहीं दिए, कंपनी अपनी तरफ से दे रहा है। अब कंपनी जितना कॉल्ड अप करेगा, कंपनी जितना कॉल्ड अप करेगा, कॉल्ड अप का मतलब अब तुमसे मांगा जा रहा है, ये मांगा जाएगा। तो रीइशू के टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कॉल्ड अप का मतलब आप पैसे दोगे, कॉल्ड अप का मतलब रीइशू के टाइम पे क्या समझोगे सर? रीइशू के टाइम पे कॉल्ड अप का मतलब शेयर होल्डर पैसा देगा, ध्यान रखना देगा। और फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी शेयर होल्डर को इतने पॉइंट्स दे देगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किताब में बहुत कम ही है लेकिन फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ। कहा मैंने 7 कॉल्ड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप 9। तो इसका मतलब क्या समझोगे? 7 मांगे तो शेयर होल्डर पागल थोड़ी 9 दे देगा, ठीक है ना? नहीं है ना? तो कंपनी आपसे 7 रुपए मांग रहा है और कंपनी आपको सर्टिफिकेट कितने का देगा? यहाँ पे 1 रुपए का लॉस है। यहाँ पे क्या है? लॉस है कितने का? 1 रुपए का। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में? ऐसा मत समझना कि शेयर होल्डर ज्यादा पैसे दे देगा, क्योंकि सिंपल वाले में पेड अप और कॉल्ड अप का मतलब जो आपको पहले बताया वही है। रीइशू के टाइम पे थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदल जाता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। तो अब देखिए कैसे एंट्री करेंगे इसका सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आएंगे बैंक में बताओ? 7 रुपए आएंगे। कितने आएंगे सर? 7 रुपए इंटू 10,000, ये आ गया हमारा 70,000। और शेयर फोर फीचर में कितने चले जाएंगे बताओ? 1 रुपए, क्योंकि मैं तो आपको भैया कितने पेड अप दे रहा हूं, 9 रुपए दे रहा हूं ना आपको पेड अप, तो 2 चले जाएंगे। मैं पेड अप कितना दे रहा हूं? 9, तो कितने जाएंगे? 2 रुपए। ये 10,000 क्यों देती है मैंने, 70,000 क्यों आ गया? शेयर तो 1,000 ही थे, 7,000 और ये आ जाएगा 2,000। और अब जो कंपनी ने पेड अप किया उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे, दैट इज 9,000। और शेयर फॉर फ्यूचर और टू कैपिटल रिजर्व में कितने आ जाएंगे? हाँ, तो 2 नुकसान 2 फायदा, 0। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एक और पॉइंट देख लें, चलो बस एक पॉइंट आपके लिए दे देते हैं करने के लिए। मैंने यहां पे थोड़ा बदलाव किया, कॉल्ड अप 9 एंड फुल्ली पेड अप। अब बताइए क्या होगा? समझ में आ रहा है? ये एंड लिखा है। अब बताइए क्या होगा? बताइए सबसे पहले बैंक में कितने रुपए आएंगे, क्योंकि कॉल्ड अप है तो अब यहाँ 9, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं सर कॉल्ड अप तो कंपनी ने मांगा, पेड अप आएगा वही तो आएगा बैंक में पैसा, वो होता है इशू के टाइम, ठीक है? कितने आएंगे? 9,000। अब नुकसान कितना हो गया हमारा, क्योंकि फुल्ली पेड अप बोला है, तो फुल्ली पेड अप का मतलब मैं आपको दूंगा 10 रुपए का सामान, तो यानी 1 रुपए का नुकसान है ना, ये 10,000। और यहाँ पे अब डिफरेंस ले लो 1,000 के,
सर 9 रुपए मांग रहा है, 10 देगा, 500 नहीं, कॉल्ड अप 10 देगा नहीं कंपनी, जब यहाँ पे फुल्ली पेड अप बोल देना रीइशू करते टाइम पे, तो शेयर होल्डर कितना देगा, नहीं, जो कॉल्ड अप होता है वो शेयर होल्डर देता है और जो पेड अप होता है वो कंपनी देता है, यहाँ पे ये ध्यान रख, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चे को? तो आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाए जब पार्टली शेयर रीइशू होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें कंफ्यूजन रहता है पार्टली वाले, बताइए थोड़ा आगे लेके जाए एडवांस इसको, अभी तो मना किया ना, आप शायद लेट आए हो, हाँ तो नहीं कर, सब करा दिया, सब करा दिया, हाँ कर सकते हैं, देखो तो कितने केसेस करा दिए हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 केस करा चुका हूँ मैं इसमें, हाँ, और तो शुरू सुबह से एकदम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करा था, करें आगे, चलिए सर, दीपांशु ने भी कह दिया सर यस सर आगे बढ़ जाए जाए, सेम क्वेश्चन रख रहे हैं, कोई केस में ऐसा डिफरेंस नहीं, वो देखते ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं सेम एग्जांपल रख रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जब लंबे वाले क्वेश्चन आएंगे, इसको सबको हटा दिया जाए तो नए क्वेश्चन आगे, हेडिंग डाल देते हैं केस नंबर 7, ये सब हटा दो सर, फोर फीचर वाली इसलिए नहीं हटा रहा मैं, क्योंकि मैं फिर करना वही एंट्री है, टाइम बच जाता है मेरा थोड़ा सा, और ज्यादा कॉन्सेप्ट करा पाता हूँ, 7 है, अब होगा हमारा यहाँ फुल्ली रीइशू था, अब करेंगे हम पार्टली, सर पार्टली रीइशू का मतलब क्या है सर, पार्टली रीइशू का मतलब जितने फोर फीचर किए सबको नहीं रीइशू किए, उसमें से कुछ हिस्सा रीइशू किया गया, सपोज करो यहाँ पे कितने शेयर फोर फीचर हुए हैं, सपोज क्या पता ये 1000, बट मैंने फैसला किया कि मैं रीइशू करूंगा 600 शेयर एट द रेट 9 फुल्ली पेड अप, ज्यादातर बच्चों को थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने रीइशू कितने किए साहब, सर आपने रीइशू 6000 लिख दिया आपने, तो कितने रीइशू किए 600, तो सबसे पहले बैंक में जो पैसा आएगा कितने रुपए का रीइशू किया 9, तो यहाँ पे आएगा 600 × 9 यानी 5400 शेयर फोर फीचर में कितने चले जाएंगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप बोला है, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप की जगह पे क्या होता है हमेशा, जितने का हमारा फेस वैल्यू है 10, तो हमारा नुकसान तो दिख रहा है 1600 रुपए का, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 6000, ज्यादातर बच्चे यहाँ क्या समझ बैठते हैं सर, 2000 का फायदा और 600 का नुकसान और 1400 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब कभी भी आपका पार्टली पेड अप वाली बात आ जाएगी ना, तो सबसे पहले ये जो कमाई है, ये आपने जो ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन से जो बेनिफिट है सर, ये तो 1000 शेयर पे है, और ये जो लॉस है ये ट्रांजेक्शन पे, ये तो 600 शेयर पे है, तो दोनों को कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना, हम 1000 और 600 को कंपैरिजन नहीं कर सकते, पहले क्या था 1000 पे नुकसान 1000 रीइशू, तो कंपैरिजन करते जा रहे थे, अब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, अब आपको क्या करना होगा, इस 1000 को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट का मतलब सर, इस 1000 रुपए पे अगर 2000 प्रॉफिट है तो 600 पे कितना प्रॉफिट होता उससे कंपैरिजन करना होगा, तो सिंपल सी बात है, आपने थर्ड क्लास के अंदर जहां तक मुझे याद है सीखा है कि अगर 1 रुपए पे प्रॉफिट हमारा कितना है, ऐसे करते थे 1 रुपी पे अगर प्रॉफिट हमारा कितना है, सॉरी 1000 रुपए पे प्रॉफिट कितना है, 1000 पे प्रॉफिट हमारा है सर 2000 रुपए, तो 1 रुपी पे कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपी पे प्रॉफिट होगा सर 2000 / 1000, ऐसे ही निकालते थे ना,
स्टार्टिंग में जब आपने मैथमेटिक्स, अगर थर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, टेंथ वेंथ में तो बहुत सीखा होगा आपने, तो इसका मतलब सर 1 रुपए पे आप कितना कमा रहे हो? सर 2 रुपए, 1 रुपए, मतलब एक नंबर पे, एक नंबर पे, ये रुपीज नहीं है, ये नंबर है, सॉरी मैंने रुपीज लिख गया, ये नंबर है, 1000 नंबर पे 2000 कमाते हो, तो एक नंबर पे कितना कमा रहे हो? इतना। और हमें जानना कितना है? 600 नंबर, तो आप मल्टीप्लाई 2 करके 1200 कर देते थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज कर देते हैं इसको। सर कैसे निकाले जाए शेयर फोर फीचर अमाउंट? जब कभी भी पार्टली वाला होगा तो ऐसे कर लेना आप, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइड, पता है किससे कर देना इसको? किससे कर दोगे सर डिवाइड? डिवाइड कर दोगे इसको टोटल, अब टोटल अमाउंट क्या सर शेयर फोर फीचर वाला डिवाइड कर दोगे टोटल शेयर फोर फीचर नंबर और मल्टीप्लाई बाय री इशू। इससे आपको पता है क्या चलेगा? ये पॉइंट हमें बताएगा कि हमने कितने बराबरी कर ली, यानी कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने सवाल को यहीं पे देखूं तो भैया 2000 रुपए कमाए टोटल और 1000 शेयर थे, टोटल नंबर फोर फीचर कितने नंबर हो और 600 की बातचीत चल रही है, तो 1200 की हमारी कमाई होगी। अगर 600 शेयर पे इनकम की बात करें तो 1200 रुपए होंगे, और 600 शेयर पे अगर नुकसान की बात करें तो 600 रुपए है। तो अगर मैं शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो दैट इज सर 600 रुपए है। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा सर? 600 रुपए चले जाएगा। अभी खूब सारे इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आप बताइए इसमें कोई एंट्री तो नहीं कटा? अच्छा हाँ, वो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था ना, वही मैं देख। चलिए इसके बाद और भी पॉइंट देखते हैं सर, और आपको पॉइंट दिया जाएगा, आपको पॉइंट दिया जाएगा। केस नंबर अभी तो 7 ही चल रहे हैं, 8 हो गया था, 6 7 ये 8 ठीक है, नहीं हाँ ये 8 ही था। अब मुझे बताइएगा, मैं ये बदल रहा हूँ, शेयर फोर फीचर नहीं बदल रहा क्योंकि हम पिछली क्लास में शेयर फोर फीचर सीख चुके हैं, ये सब बदल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने बोला 300 शेयर री इशू एट 11 पर शेयर, मतलब 11 रुपए में हमने शेयर को रीइशू कर दिया। अब बताइए फटाफट कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? अब आपसे पूछना चाहते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना आएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। कितने? अरे 2000 तो कमाई है, सही पर कैसे पहुंच गए? हाँ तो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना? 2300 कैसे हो? अच्छा आपने समझ गया क्या हिसाब किताब लगाया, चलो बताइए जितने बच्चे लाइव है कितने जाएंगे? जितने बच्चे लाइव हैं बता दे कितने जाएंगे? कितने लग रहा है बताओ? 2300 लग रहा है आपको? नहीं 2300 ही लग रहा है,
हाँ अभी रुक जाओ, आपने बता दिया अपना जवाब, फिर सम मैं दीपांशु, मैं सिर्फ कैपिटल रिजर्व की बात कर रहा हूँ, इसमें बताना है आपको। आपने पूरी एंट्री बता दी, बैंक शेयर फॉरफीचर टू टूटी शेयर कैपिटल, मैं सिर्फ वाली एंट्री में कितना पैसा जाएगा, आपको कितना लग रहा है? 2300। और कोई कितना लग रहा है? निकाल लिया तो निकालो ना, पेन थोड़ी मना कर रहा है, मत चलाओ। रोहित का 3300। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझिए, जैसे आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपने कमाया कितना है, तो इससे ज्यादा तो फायदा हो ही नहीं सकता, पहली बार किसी भी कंडीशन में नहीं। भैया आपने 2000 रुपए कमाए हैं, 2000 रुपए तो आप कैसे हो सकता है? अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको पे आ जाते हैं। सर क्वेश्चन में कहता है हमने कितने का बेचा है, 11 रुपए, तो 300 थे सर, 300 इंटू में 11 कितने आ गए, 3300। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पहुंच गया कितने सर, 3000। अब जो फायदा हुआ वो शेयर फोर फीचर में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? अभी सिखाया था मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने गए, 300 रुपए चले गए सर। अब देखो तो फायदा तो हमारा 1000 रुपए है, और नुकसान वगैरह इस पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो फिर कन्वर्ट कर दो सर। कन्वर्ट कैसे करोगे सर, 2000 टोटल शेयर डिवाइडेड बाय 1000 नंबर, रीशू कितने हैं सर, 300, तो कितने आ गए सर, 600 आ गए सर। 600 का हमारा, अगर मैं 300 शेयर पे फायदा निकालता तो 600 रुपए आता, 600 रुपए यहां शेयर फॉरफीचर है, नुकसान हुआ नहीं, तो कितना जाएगा देखिए। अब एक बच्चा तो कह रहा है कैपिटल रिजर्व जीरो, जीरो थोड़ी आएगा। ये देखो जिसको समझ में नहीं आए फिर पूछो, अभी बहुत सारे एग्जांपल कराने पड़ेंगे इस स्थिति में, तो मुझे लग रहा है। समझ में आया? ये एक और एग्जांपल दे दें, चलिए इसको कर देते हैं हम 500, और इसको कर देते हैं हम 10 रुपए। क्या आपका जवाब आता है? मुझे बताइए कि सर कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, मुझे बताइए सर कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा। आपको सिर्फ दिए जाते हैं, 2 से 3 मिनट में निकल जाता है ओरली, और मैं जहां तक मुझे याद है और मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं, आपके टाइम पे तो एमसीक्यू पेपर हुआ ही नहीं था, आपसे पहले वाले बैच का। हाँ आपका 11th एमसीक्यू, 12th में नहीं हुआ था ना, 12th में तो पूरा टोटल एमसीक्यू का हुआ था। एक हजार जवाब आया है मेरे पास, और बताइए जल्दी। कैपिटल रिजर्व जीरो अभिजीत का कहना है, चलिए चेक करते हैं, आप भी टेस्ट करिए अपने जैसे कराएं। देखो 500 10 में दिया है, इसमें दिया है तो सब भी आ गया सर, 500 शेयर हैं और 10 में है तो इंटू में 10 कर, तो यानी 5000 आ गए। नुकसान तो कुछ है नहीं, और इक्विटी शेयर में भी 5000 आ गए, कोई नुकसान नहीं हुआ सर, क्योंकि ये प्रीशू की है तो इसको 500 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 500 पे कन्वर्ट करूंगा तो 2000 कमाए कितने पे सर, 1000 पे, और 500 में कन्वर्ट कर दिए तो बचा हमारे पास कितने, 500 कैपिटल में नहीं 1000 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यहाँ के एक और सवाल दिया जाए, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ा देते हैं। सिंगल शेयर चल रहा है, फिर बाद
भी लेके आएंगे। मैंने 450 शेयर री इशू किए हैं, कॉल्ड अप 9 एंड पेड अप 10। चलो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देखो, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपने 12वीं से भी इजी तरीके से करा रहा हूं अभी तो मैं। आप अगर ये नहीं कर पाओगे तो आगे बहुत रहा मुश्किल है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट को पास करना आसान नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं। 2nd semester में इसलिए दिया कि बच्चा कम से कम 2-3 बार में पास कर ले। अगर 2 में नहीं हो पाए तो 4 में आज मान ले 6। अगर 6 में होता ना ये, तो ग्रेजुएट बच्चों को मुश्किल ही हो पाते बच्चे। अभी मैं इस बैच में, जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव में, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6th semester में, लेकिन वो 2nd semester का कॉर्पोरेट अकाउंट रूल पढ़ता है। वो तो 2 साल हो गए उसको पेपर किए, कॉर्पोरेट ही नहीं निकल रहा था उसका, 2 साल हो गए उसको। अगर इस साल कॉर्पोरेट उसका नहीं निकला तो दोबारा अगली बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा उसे, और नए कोर्स में नहीं होता है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी देता है, पास कर लो, नहीं तो फिर कितने आ रहे हैं लाइव वाले बच्चे बताएं, करें साहब 450 और कितने का कॉल्ड अप 9 रुपए, पेड अप 10 रुपए, तो 450 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 4000, 10 से करेंगे तब 4050। और आपको सामान कितने का मिलेगा, 10, तो शेयर फोर फीचर तो आएगा ही आएगा, यानी 400 और इक्विटी शेयर कैपिटल 4500। अब जरा नुकसान हिसाब किताब भैया, 2000 थे और 1000 नंबर थे, रीइशू किए 450, तो कमाया गया, अब तो में से आप नुकसान बैठे हो 400, आंसर इज 40। गलत आंसर आ रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ताकि एरर ना हो। और देखें एग्जांपल, मैंने यहां पे कह दिया पेड अप 9, तो मुझे जवाब दे दी 10 रुपए का। इसके अलावा कोई आंसर नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ आएगा 450 और कॉल्ड अप 9, तो यानी इनटू में 9, जो कि हो गया 4050। पेड अप भी 9, तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल 4050। सर फिर 1 रुपए कब, जब मांग कुछ हुआ ही नहीं, फायदा 900 रुपए था टोटल कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे कितना आ गया 900 रुपए। और सवाल दें, पेड अप 10,
फिर अब 10 नहीं 8 करते हैं। चार तो 50 नहीं चल रहा पता। कॉल्ड अप कितना है? 9। कॉल्ड अप कितना है? 9 रुपए। तो आपके पास कितने आ गए? लेकिन हम पेड अप का मतलब कितना देंगे? तो भैया एक क्या एक लेके ही हम बहुत परेशान कर दिया। अब चेक करिए आ रही है वॉइस, नाउ चेक करिए। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन मैं देख भी लूं एक बार, मैं वॉइस की तरफ ध्यान दिला दूं। कॉल्ड अप 12 दिए और आपको मिला, ठीक है, यस। अब इसमें क्या करोगे बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, बताओ। कोई डाउट सर? वॉइस म्यूट हो गई? नहीं अभी तो मैंने कर दिया। अरे चलो, बैंक में कितना पैसा आएगा? कॉल्ड अप जितना किया है यानी 450 इंटू 12 तो 10 9,999,500 और सर हम आपको कितना कॉल्ड अप कर रहे हैं यानी सॉरी पेड अप कितना देने को तैयार हैं? 8 कितने? तो अब बाकी चला जाएगा 450 इंटू में कितने? नहीं 18 तो कितने? 4 1800 रुपये। और सर यहाँ पे तो फायदा हमारा 900 ही था और 900 ही रह गया।
देखिए कितने केस कर लिए हमने, 7 के बाद ये 8, ये 9, 8 ही था, अच्छा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 एग्जाम्पल कर चुके हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चले लेके इसको, बताइए चले लेके। अभी तक एक शेयर होल्डर फेल हो रहे थे, अब दो शेयर होल्डर को फेल किया जाए, ठीक है, न्यू क्वेश्चन बनाया जाएगा आपके लिए। मान लेते हैं मैंने इशू कर रखे हैं 4000 शेयर और 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। मिस्टर राम 300 शेयर फेल, मिस्टर मोहन 200 शेयर फेल, यानी दो फेलियर हो गए हैं यहाँ पे। इन दोनों के शेयर फॉरफीचर किए गए हैं आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक है। तो मैं पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर दूं, जो बेसिक सा एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो, तो सर 300 वाले का पहले कर रहे हैं, तो ये यहां फेल हो गया, तो सिर्फ इतने दिए इसने, पूरे कॉल हैं तो 3000, 600 और 24। किसी को इस एंट्री में डाउट? एक और फॉरफीचर कर लिया जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर और टू कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन इन एरियर। सर कितने होंगे? 200, तो 2000, सर उसने 5 दे दिए तो 1000 और 1000। पहले इस एंट्री को आप कंफर्म कर लो, सर इसमें डाउट नहीं है तो फिर मैं रीइशू लेके आऊं इसके अंदर। बताइए वॉइस तो आ रही है मेरे ख्याल, आ रही है, बताइएगा। अब रीइशू करें इसको, इसके लिए मैं रीइशू के लिए यहां पॉइंट लिख देता हूं, ऑल शेयर रीइशू 9 पर शेयर, सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए गए 9 रुपए में। कैपिटल रिजर्व बताइए क्या है? हाँ ऑल, पेड अप नहीं बताए तो फुल्ली पेड अप मानना होता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एंट्री बना लिया है, अमाउंट आपको निकालना है। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा?
नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो हो रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। बताइए आप सभी, नाउ क्लियर है? करें, चलिए करके दिखाते हैं। सर बैंक में पैसा, क्योंकि हमने रीशू 9 रुपए में किया है, टोटल शेयर 3 और 2 500 है, 500 × 9 45, क्योंकि 1 रुपए सस्ता बेच रहे हो तो 500 × 1 रुपए का नुकसान, और इक्विटी शेयर में आगे 5000, आपके नुकसान कितने हो गए सर? 500। कमाया कितने आपने? यहाँ पे कमाया 600 और यहाँ पे कमाया आपने 1000, तो टोटल कमाई आपकी थी 1600, जिसमें से 500 का नुकसान हो गया, तो 1600 में से आपका नुकसान कर बैठे हो 500, तो आपका फोर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में कितने चले जाएंगे? ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। चलिए आ जाइए, तो मैं सिर्फ इसे चेंज करने वाला हूँ, रीइश्यू वाले पॉइंट्स को। फोर हंड्रेड शेयर रीइश्यू इंक्लूडिंग ऑल शेयर मिस्टर राव एट द रेट 8 पर शेयर, चलिए मैंने सारे के सारे रीइशू नहीं किए, मैंने मात्र 400 शेयर रीइशू किया, जबकि हमारे पास थे कितने? 500 थे रीइशू करने के लिए, तो भैया 400 किसके कितने? तो मैंने बोला राम के सारे हैं, तो इसका मतलब हो गया भैया 400 में राम के तो पूरे निकल गए 300, और जो मोहन के थे उसके 200 के बजाय कितने हुए? सिर्फ 100। तो एक तो पूरा पूरा सेटअप करना पड़ेगा और एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। निकालिए फटाफट, चलिए आंसर दें। तो आंसर में यह है कि भैया आप तो सबसे पहले सिंपल 400 और 8 रुपए,
तो आप ये मान के चलिए 400 इंटू में 8 यानी 3200 रुपए तो आ गए, नुकसान हो गए आपके कितने 400 इंटू में 2 यानी 800 रुपए, शेयर कैपिटल में कितने चले गए आपके 4000। अब फायदे नुकसान की बात करते हैं, यहाँ पे दो बंदे हो गए, एक हो गया राम और एक हो गया, तो राम से जो कमाई थी वो तो हमें पता है, राम से कितनी कमाई थी सर 600, और राम के कितने शेयर रीइशू हुए 300, तो 300 में नुकसान कितने का हो गया 2 यानी सर 600 का नुकसान हो गया, तो राम से तो कोई भी बेनिफिट मिला नहीं जो कैपिटल रिजर्व में लेके जाए। अब मोहन की बात कर रहे थे सर, मोहन की कमाई कितनी थी सर, मोहन की कमाई थी 1000, मोहन की कमाई 1000, लेकिन ये सर 200 पे कमाई थी और रीइशू सिर्फ मात्र इसके मोहन के कितने हुए हैं 100 इंटू में, तो 100 इंटू में कितने का नुकसान 2, तो 200 का नुकसान हो गया, तो हम ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे सर 200 से और इंटू करना पड़ेगा किससे 100, तो 500 की कमाई हुई, तो 500 माइनस 200 यहाँ पे 300 आ जाएगा, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएगा। किरण कहाँ पे, यहाँ इनमें से 500 में से 200 माइनस करते, ठीक है देख लो, क्या पता मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एक बार बता दो देख लो चेक कर, क्योंकि 1200 थे, 500 कमाए और 200 का नुकसान हो गया 2 रुपए, 500 200 300 ही क्या रहे, अलग से निकाल लो जी, अलग से निकालते हैं, अलग से निकालते हैं, आपके गणित से चल लेते हैं, 1000 रुपये कमाया कितने शेयर पे और रीइशू कितने शेयर हैं 500, 100 है, 500 तो थे भी नहीं, कितने कमाई हो गए, अब इसका नुकसान निकाल लेते हैं, कितने शेयर रीइशू हुए, एक शेयर पे कितने रुपए, तो कितने का नुकसान, तो माइनस में कहाँ आया, ये तो प्लस में ही दिख रहा है अभी भी, ठीक है ये देखिए लास्ट वाली एंट्री मैंने बता दिया फिर से, मैं तो देखो सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा करा दूं एग्जांपल, ये कौन सा एग्जांपल हो गया 13 12 के बाद 13 था ना 14 देखिए पहले ये वाला क्लियर हो गया आपको, एक और क्वेश्चन देख, नोट करने के लिए एक साथ टाइम दे दूंगा ठीक है, और ये सारे एग्जांपल आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए 450 शेयर रीइशू, 450 शेयर क्या हो गए रीइशू हो गए इंक्लूडिंग, राम शेयर एंड मोहन 175 एट द रेट 8% इसको होमवर्क में दे दें, कर पाओगे इसको, और बुक आज मिल जाएगा, 5 रुपये नई वाली बोली ना आपने, हाँ बताइए
नोट करा जाए पीछे का एग्जाम्पल,